नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार द्वारा आज आजादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज होगी 5 नगर पालिका परिषदों में चुनाव मामले की सुनवाई। पूर्व भाजपा विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर आज होगी सुनवाई। नोटा के अध्यक्ष डॉक्टर सालकर ने मुख्यमंत्री सावंत से राज्य के किशोर आबादी के हित में प्रस्तावित विभिन्न पहलों के लिए बजटीय आवंटन करने का आग्रह किया। सभापति ने कांग्रेस अध्यक्ष चोडनकर को 10 पूर्व कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका के मामले में नोटिस भेजा। सोटो जीएमसी ने किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जीएमसी में कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक जेल से दूसरे में स्थानांतरित। गृह मंत्रालय ने आरटीआई एक्टिविस्ट के दावे को किया खारिज। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग आज बंद रहेगा। पंजाब में किसानों ने 169 दिनों के बाद रेल पटरियों पर धरना समाप्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ स्थानों पर लॉकडाउन की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में योगी ने अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल आतंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एएफसी चैंपियंस लीग 2021 के ग्रुप ई मैचों की मेजबानी करेगा गोवा। उत्साहवर्धक वैश्विक संकेतों से चढ़ा शेयर बाजार, सेंसेक्स 500 अंक उछला।